नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं फ्री वॉइस के साथ। जम्मू कश्मीर की अहम खबरें। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिला में मंगलवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर ए तोयबा के सहयोगी TRF से जुड़े दो आतंकवादी मारे गए। IGP कश्मीर विजय कुमार ने दी जानकारी। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को आतंकवादी विरोधी अभियान के लिए जल्द ही अमेरिका असॉल्ट राइफल पिस्टल मिलेगी, अधिकारियों ने दी जानकारी। आधुनिक हथियार हासिल करने वाले जम्मू कश्मीर पुलिस शायद देश की पहली पुलिस बन सकती। जवाहर टनल और आसपास के इलाकों में हो रही बर्फबारी के चलते वाहनों को ट्रैफिक के लिए एहतियातन रखा गया बंद। कश्मीर घाटी में कल से हो रही बर्फबारी के चलते सड़कें हुई बंद। श्रीनगर एयरपोर्ट पर फिसलन के चलते कहीं फ्लाइटें हुई कैंसिल और कहीं पहुंची देर से। पिछले 24 घंटों में भारत के ओमिक्रॉन टैली 1892 के पार पहुंचा। ओमिक्रॉन से लगभग 766 रिकवरीज दर्ज की गई। वहीं पर डे पॉजिटिव रेट 3.24% रहा। आखिर पर मौसम की जानकारी। जम्मू कश्मीर के मैदानी इलाकों में बारिश, वहीं ऊपरी इलाकों में बर्फबारी देखने को मिल रही। 9 जनवरी तक मौसम खराब रहने की भविष्यवाणी। श्रीनगर का न्यूनतम तापमान 0.6 डिग्री सेल्सियस, जम्मू का 11.8 डिग्री, वहीं लद्दाख का कम से कम तापमान -7.5 डिग्री दर्ज किया गया। ये थी आज की अहम खबरें। और भी खबरों के लिए बने रहिए फ्री वॉइस के साथ।